और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में मासूमों पर ज्यादती थमती नहीं नजर आ रही है। मासूम बच्चियों को अगवा कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके। घरों से खींचकर बच्चियों को ले जाने की तस्वीरें सामने आई है, जहां बच्चों की मौजूदगी में भीड़ पर फायरिंग की गई। ये तालिबान कर रहा है। तालिबान के डर से बच्चों को दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं उनके अपने लोग। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि तालिबान खुद इस बात को कह रहा था कि वो बदला हुआ तालिबान है। लेकिन आप देखिए किस तरह से दहशतगर्दी तालिबान कर रहा है। बच्चों के सामने फायरिंग की जा रही है, भीड़ पर फायरिंग की जा रही है। बिलखते मासूम नाचता तालिबान। अफगानी बच्चों पर टूटा आसमान। जल्लाद अंकल से बच्चों को बचा लो। इस मासूम की चीख से तालिबान के हुक्मरानों के कान के पर्दे क्यों नहीं फट जाते? इस बिलखती बच्ची की आवाज सुनकर तालिबानियों को आखिर नींद कैसे आ जाती है? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कलेजा फट जाएगा। मुश्किल से 10 बरस की भी नहीं होगी बच्ची, और देखिए कैसे उसे उसके घर से ही खींचकर ले जा रहा है ये तालिबानी लड़ाका। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पत्थर दिल इस तालिबानी लड़ाके पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मुस्कुराता है। ये बच्ची माँ से लिपट जाती है और वो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन तालिबान के सामने सब बेबस हैं। कोई कुछ कह नहीं पा रहा। माँ से लिपटी इस बच्ची को तालिबानी आतंकी छुड़ा लेता है और घसीट कर ले जाने लगता है। काबुल एयरपोर्ट से आई है दिल झकझोर देने वाली ये तस्वीर। तालिबानियों के जुल्म से बचाने के लिए लोग दुधमुहे बच्चे को एयरपोर्ट में दाखिल कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये भीड़ तालिबानी अफगानिस्तान में रहने को तैयार नहीं है और किसी और मुल्क जाना चाहते हैं। गोद में छोटा बच्चा है और इन्हें लगता है कि भीड़ के हाथों हाथ इसी तरह बच्चा एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, ताकि अफगानिस्तान की जहरीली आबोहवा से दूर कहीं सुख चैन से गुजर बसर कर ले। इन बच्चों के माता पिता को लगता है कि वो भले कहीं न जा पाए, लेकिन उनका बच्चा इस मुल्क के साए से दूर चला जाए और महफूज रहे। ये तस्वीर भी काबुल एयरपोर्ट की है। अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा लोग जब बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे, तभी फायरिंग हो गई। बच्चे गोलीबारी से इस कदर डर गए कि भागना शुरू कर दिया। ये बच्चा माँ के पास बैठा हुआ था, तभी दनादन इतनी फायरिंग होने लगी कि वो चौंक गया और खड़ा होकर देखने लगा। क्या बच्चों की आंखों में ऐसी दहशत पैदा करके अपने ही मुल्क के मासूमों पर ज्यादती कर महल खड़ा करना चाहता है तालिबान? आखिर इन मासूमों का क्या गुनाह जिन पर सत्ता की सनक में इस कदर सितम बरपाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।